वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा अलीना, यू नो 51% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान। अब प्रॉब्लम ये है कि वो रोल नहीं मिलता, पाकिस्तान की अब मैं बात कर रही हूँ, एज ए होल तो बात होगी औरत, क्योंकि वो शाहिद साहब ने भी जिक्र किया कि ऑल ओवर द वर्ल्ड औरत मजलूम तस्वर की जाती है। ज़्यादा हो गई, लेकिन उनको वो रोल नहीं मिल रहा। डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री में औरतों का बड़ा रोल होता है, लेकिन उसमें नेग्लिजेंस है, उसमें इग्नोरेंस है, क्यों ऐसा? बेसिकली यहाँ जब भी औरत when she is born, तो उसके शुरू से एक बिलीव उसको किया जाता है कि जितना मेल जो होंगे आपकी फैमिली में भी होते हैं ना, तो मेल को डोमिनेट इसलिए किया जाता है कि दे आर पावरफुल आपके, क्योंकि दे कैन अचीव एनीथिंग। लड़कियों को थोड़ा सा इसीलिए देखें, जब आपको शुरू से ही मेंटेलिटी दी जाती है ना कि यू आर नॉट वर्थ इट, यू आर नॉट वर्थी इनफ, यू कैन, यू आर नॉट केपेबल, तो जब आपके अंदर ये चीज डिवेलप हो जाती है ना, तब आप एक स्ट्रांग इंडिविजुअल नहीं बन सकते। तो हमारी सोसाइटी में इस इन चीज़ों इन बिलीव से वेन वी आर सराउंडेड ना, तो फिर हमारे जब अंदर ये बिलीफ होता है, और इसी वजह से, और अगर हमारे अंदर ये बिलीफ रहा तो वी वोंट बी एबल टू बिकम अ सक्सेसफुल नेशन। चाहे सब आपने भी जिक्र में वापस आती हूँ, आपने जिक्र किया था मेल डोमिनेंस का, व्हाई इज दैट सो? क्यों है मेल डोमिनेंस, क्यों है इतनी ज्यादा, बढ़ती भी जा रही है? बेसिकली देखे मेल डोमिनेंसी जो है वो इसके रीजंस अगर हम इसको एक्सप्लोर करना शुरू कर दें तो ये बहुत हमें हिस्टोरिकल आदि गवाही कंसीडर की जाती है। देखिए औरत की गवाही आदि गवाही नहीं है, आई एम सॉरी टू से, मैं बीइंग एज अ लॉयर भी ये बात कहता हूँ कि औरत की गवाही जो है वो आदि कंसीडर नहीं होनी चाहिए। और समहाउ आप देखें, सिर्फ ये चंद मुल्कों में है कि हम इस औरत को डोमिनेट करने के लिए उसकी आदि गवाही का जो है वो शोर मचाते हैं। औरत की गवाही पूरी है, as far as the man belongs to on a stigma ki ji aurat ko dominate karna hai. To jab aurat ko dominate karne ka zehen mein aa jayega, for example main let me tell you one thing ki meri apni missus jo hai wo maine jab unko ghar se bahar nikala to mujhe sabse pehle meri family ka criticism bardasht karna pada. To maine kaha it is my way. मैं समझता हूं कि ये बेकार नहीं है, मैं ये समझता हूं कि ये मेरी जो है वो मरहूने मिन्नत नहीं है, इसकी अपनी एक पहचान है। देखिए मैंने आपको कहा कि जब तक हम पढ़े लिखे जाहिलों को कंट्रोल नहीं करेंगे तो जो तो अनएजुकेटेड इलिटरेट है उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते। एक्चुअली मेल डोमिनेंसी उसी वक्त शुरू होती है जिस वक्त पढ़े लिखे जाहिल जो है वो डोमिनेट करना शुरू करते हैं, विच गोज इन टू द ग्रास रूट्स। क्योंकि जब लोगों को ये प्रेसिडेंट मिल जाता है कि लेट्स से लोग कहते हैं कि यार ये एम्बेसडर है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन का सरबरा है, अगर ये अपनी औरतों को कंट्रोल कर रहा है तो वाई वी डोंट, इट्स अ वेरी सिंपल। तो ये जब तक हम पढ़े लिखे लोग इस बात को डाइजेस्ट नहीं करेंगे कि औरत बिल्कुल ऐसे ही इंसान है जैसे हम हैं, वो वही चीज कर सकती है जो हम कर सकते हैं। अब जिसको हम फिजिकल पावर कहते हैं, फिजिकल पावर इज नथिंग टुडे, सो वेयर इज द फिजिकल पावर इज एग्जिस्टिंग? आज दुनिया की जो जंगें भी हैं वो आप फिजिकली नहीं लड़ेंगे। तो जब आपने फिजिकल पावर ही खत्म कर दी तो व्हाई वी आर नॉट एक्सेप्टिंग द रोल ऑफ अ वुमेन एज एन पावरफुल एलिमेंट ऑफ अवर सोसाइटी? दिस इज व्हाट वी हैव टू डाइजेस्ट। अंटिल एंड अनलेस हम इसको डाइजेस्ट नहीं करेंगे, वी कैन नॉट गिव अ सिग्निफिकेंट रोल टू अवर वुमेन्स, वी कैन नॉट मेक देम एम्पावर्ड व्हाटसोएवर, व्हाटएवर द एफर्ट्स। और जहां तक बात है कानून का, कानून तो हर मुल्क में मौजूद होते हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, बट there is no mechanism at all to implement that basically that that's the problem. Koi mechanism nahi hai, we all have the problems and we all are facing it deliberately, lekin hum us par kuch kar nahi sakte. Acha mujhe ye batao Laila ki hota ye hai ki since the creation of Pakistan 1947 women are always being neglected, overwhelmed by agriculture work, household किया जाता है, कैरिंग वाटर, आप वुड्स उससे कटवा रहे हैं, आप ये सब कुछ काम कर रहे हैं रूरल एरियाज में, तो यही है ना उसका एक्टिव रोल है एग्रीकल्चर वर्क में, वो काम कर रही है बेचारी, दिन सुबह से लेकर शाम तक वो कर रही है, बट शी हैज नॉट एन एक्टिव रोल इन द पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए, या आप इकोनॉमिक उसमें आप देख लें या जितनी भी इस तरह की एक्टिविटीज है उसमें उसका रोल जीरो है।
کیوں؟ کیونکہ یہ تصور کر لیا گیا ہے کہ عورت اسی کام کے لیے بنی ہے، اسے آپ نے چولہا ہی جلوانا ہے، روٹی ہی پکوانی ہے، اس کو آپ نے کچن میں کھڑا رکھنا ہے صبح سے لے کر شام تک، اور یہ کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ ایک سوچ، ایک یہ بلٹ ان ہے، انسٹنکٹ ہے، یا نہیں تم سمجھتی ہو کہ ابھی چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں، بہتری کی طرف جا سکتی ہیں؟ لیلا بالکل، میں جہاں تک دیکھ رہی ہوں تو یہ بہتری کی طرف جا رہی ہے، کیونکہ کے پی کے کی بات کر لیں تو پہلے کافی پرابلمس تھی، لڑکیوں کو کافی مسئلہ تھا، ایجوکیشن جو پیرنٹس ہیں وہ ایجوکیشن بھی ایون نہیں کرواتے تھے، تو اب ماشاء اللہ بہت زیادہ بہتری آ گئی ہے۔ ہر لڑکی یونیورسٹی میں ہوتی ہے، یونیورسٹیز بھری ہوتی ہیں لڑکیوں سے، کالجز بھرے ہوتے ہیں لڑکیوں سے، تو ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو کے پی کے میں جو اب جو حالات ہیں تو اس کو دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، اور اللہ کرے کہ اور بھی بہتری آئے تو بہت خوشی ہوتی ہے۔ شاید صاحب آپ کو بھی یہی لگتا ہے بہتری آئے، ویسے میرا پرسنل اوپینین ہے کہ چیزیں خراب ہوئی ہیں۔ دیکھیں لیلا، بینگ ایز اے وومن، آپ لوگوں کو شاید یہ نظر آتا ہے کہ چیزیں خراب ہو رہی ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آج خواتین جو ہیں وہ زیادہ امپاورڈ ہو رہی ہیں، وجہ اور اتنی ہی کرٹیسائز بھی ہو رہی ہیں۔ کرٹیسائز تو دیکھیں معاشرے کا، جو میں نے جب آپ کو کہا نا کہ معاشرے کی جو سٹرکچر ہم نے بنایا ہوا ہے وہ ہم نے نیگیٹو بنایا ہوا ہے، جب تک نیگیٹو پرسپشن پرویل کرتا ہے خواتین کے بارے میں تو یہ کرٹیسائز ہونا نہ ہونا میری نظر میں اس کی حیثیت اس لیے نہیں ہے۔ لیٹ می ٹیل یو، جیسے ابھی یہ لیلا نے کہا کہ خواتین ایجوکیشن کی طرف زیادہ ہیں، آج دیکھیں مین جو ہیں، آئی مین بوائز جو ہیں، وہ آج ایجوکیشن کے بارے میں بالکل نل ہیں۔ تمام ٹاپ پوزیشن خواتین کی بچیوں کی ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ناؤ دا گلوبل سینیریو از چینجنگ، سو دیٹ دا پاکستانی سینیریو از آلسو چینجنگ۔ اب آپ کا جو بیسک کوشچن ہے امپاورمنٹ، امپاورمنٹ اسٹارٹس فرام ایجوکیٹنگ اے گرل۔ لیٹ می کوٹ اینڈ ان کوٹ دی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ اگر اپنی خواتین کو، آپ اپنی بیٹیوں کو بہترین تعلیم و تربیت دو گے تو ایک بہترین جنریشن اس میں سے پیدا ہوگی۔ ٹھیک، اور اسی طرح میرا خیال ہے کہ نیپولین بوناپارٹ نے ایک لفظ کہا تھا کہ تم مجھے پڑھے لکھے مائیں دو، میں تم لوگوں کو بہترین مستقبل دوں گا۔ تو اب دیکھیں پڑھائی، یہ جو ایجوکیشن ہے، یہ اتنا پاورفل ایلیمنٹ ہے، دس از دا موسٹ ڈینجرس ویپن ان دی ہینڈ آف اے وومن اف دے وانٹ ٹو یوٹیلائز اٹ۔ دس از فار واٹ آئی سیٹ کہ دیٹ ویمن کین بی اے مارگریٹ تھیچر، ویمن کین بی اے اندرا گاندھی، ویمن کین بی اے سری ماؤ بندرا نائک، ویمن کین بی اے ایوا پرون۔ آج سے 70 سال پہلے کوئی شخص یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ ایک خاتون جو ہے وہ ڈیموکریٹکلی الیکٹ ہو کر کسی ملک پر رول کرے گی۔ آن دیٹ ٹائم دی ایجوکیشن ان ارجنٹائنا ٹک دا وومن ٹو بی این ہیڈ آف اسٹیٹ۔ So education is the most dangerous weapon at this moment if the women will go and achieve it. اگر یہ ویپن عورت کے ہاتھ میں ہوگا تو آپ کو وہ جو کرٹیسزم نظر آتا ہے that will be dead end. What about that women جن کو کہا جاتا ہے کہ نہیں آپ نے چولہا ہی سنبھالنا ہے نا، شادی کے بعد آپ نے یہ کام ہی کرنا ہے، تو فار واٹ ایجوکیشن از نتھنگ، ان کو یہ ان کا ایک بلڈ اپ کیا جاتا ہے ایک پرسپشن۔ مجھے ایک بات بتائیں، دنیا کیا کریں پھر؟ دنیا کے کسی ہوٹل میں مجھے بتائیں کہ جو بہترین شیف ہے، شیف جو ہوتا ہے وہ کیا خاتون ہوتی ہے، مرد ہوتا ہے۔ تو چولہا ہانڈی تو پھر مرد کا کام بھی ہے نا، عورت کا ہی کام تو نہیں ہے، اس کو ورثے میں تو نہیں ملا۔ آپ دنیا کے ہر ہوٹل ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں، لیکن شاہی صاحب ایرسپیکٹیو آف ایوری تھنگ، جیسے آپ خود ایک مرد ہیں نا، آپ کی یہ سوچ ہے، لیکن آپ دیکھیں میجورٹی کی یہ سوچ نہیں ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سوچ ایسے پریویل ہوگی کہ آپ ایجوکیٹ کریں۔ ایجوکیشن سے یہ چیز پریویل ہونی ہوتی تو بہت پہلے ہو چکی ہوتی، اس لیے کہ ہمارا کیوں نہیں ہے، اس طرح ہمارا رجحان نہیں ہے، ہمارا کریکلم بیسیکلی، جب تک آپ کا کریکلم ڈسکریمنیٹ کرتا ہے اس وقت تک آپ وہ چیز، وہ گول اچیو نہیں کر سکتے وچ بلڈ دا ہیلدیسٹ سوسائٹی اینڈ دا بیٹر نیشن اور بیٹر جنریشن۔ ہمارا کریکلم جو ہے وہ انفارچونیٹلی جو ہے وہ لوگوں سے، ہم لوگوں سے جو ہے وہ 70 سال پیچھے ہے، 70 سال کا سفر طے کرنے کے باوجود۔ تو زیادہ میری جو رائے ہے، دیکھیں ہمیں جب تک ہم اپنے ایجوکیشن پروسیس کو جو ہے وہ بہتر نہیں بنائیں گے، ہم
न्यू टेक्नोलॉजीज और न्यू मेथड्स नहीं अपनाएंगे, हम वुमेन को बीइंग एज ह्यूमन इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे, बीइंग एज अ कंपटीटर इंट्रोड्यूस करवाने की बजाय, हम जब तक ख्वातीन को जो है वो एक अपोजिट सेक्स की बजाय हम उसको एक ह्यूमन की हैसियत से जो है उसके उसके मॉरल हाई ग्राउंड्स नहीं लेंगे, exactly. उस वक्त तक जो है वो आपके घरों में, आपकी सोसाइटी में, आपके मुल्क से ये झगड़ा खत्म नहीं होगा। ठीक है, घरों का जिक्र किया है आपने कि घरों में भी ये चीज है। अलीना, एक बात ये होती है कि कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जो अपनी जो फीमेल उनकी डॉटर्स हैं, फीमेल जो उनकी फैमिली है उनके हवाले से बड़ी ओपन माइंडेड होती हैं, बड़ी लिबरल फैमिलीज भी होती हैं, लेकिन होता यह है कि उन पे सोसाइटी का प्रेशर होता है। बहुत सारी चीजें ऐसी आपने भी देखी होंगी कि बच्ची कुछ करना चाह रही है, आगे बढ़ना चाह रही है, फॉर इंस्टेंस कि वो मीडिया साइड पर आना चाह रही है, सिंगिंग करना चाह रही है, एक्टिंग मॉडलिंग करना चाह रही है, फैमिली सपोर्ट करेगी, लेकिन एक इतना प्रेशर है ना सोसाइटी का कि माँ बाप ऐसे थे, कैसे अलाउ कर दिया, इस चीज को कैसे ओवरकम किया जा सकता है। फैमिलीज करती हैं सपोर्ट, लेकिन सोसाइटल प्रेशर बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, जैसे हम इस सोसाइटी में रह रहे हैं कि अब यहाँ हमारा एक पर्सपेक्टिव है, मैन हो या वुमेन हो, यहाँ एक पर्सपेक्टिव ये है कि अब मेरे नज़दीक ना हर करियर में एक आर्टिस्ट होता है। आप किसी भी, आप म्यूजिक इंडस्ट्री में जा रहे हैं, आप किसी में जा रहे हैं, यू हैव टैलेंट, ठीक है, और आप उधर जाके उसको इन्हांस करते हैं। तो यहाँ, लेकिन यहाँ हमें फोर्स किया जाता है कि नो, यू हैव टू, लाइक आपके स्पेसिफिक फील्ड हैं, यू जस्ट हैव टू गो इन दैट। अगर आपने किसी और में किया तो यू आर नॉट लाइक टीचर बन जाओ, टीचर बन जाओगे, क्योंकि उसके ज्यादा तुमने, उसके ज्यादा तो तुम कुछ सिलाई वगैरह का कोर्स कर लो, लड़कियां बिल्कुल, तुम ये पॉलर का थोड़े अरसे कर लो तो यू बी लाइक अच्छे कर लोगे, अपना हो ही जाएगा ना, वरना तुमने क्या उसी घर में ही बैठना है पूरी जिंदगी। तो ये चीज जब इसको खत्म किया जाता है ना कि यहाँ आपके इवन टैलेंट है ना, अगर एक औरत के अंदर सिलाई कढ़ाई का भी ना, तो उसको अगर वो इफ शी वांट्स टू स्टार्ट अ बिजनेस ना, तो दैट्स इट, देखो उसका अंदर का पोटेंशियल, शी इज एनहांसिंग दैट। तो अगर वो चीज होती ना, इट विल लाइक टुगेदर वी बिल्ड द सोसाइटी, टुगेदर वुमेन विल बी एम्पावर्ड। तो ये सोसाइटी का इफेक्ट इस तरह खत्म होता है, इट्स नॉट कि बस हम लोग एक ही घर से करके बस, लेकिन यहाँ बहुत प्रेशर होता है, लेकिन सोसाइटी के जो कि हमारी आइडियल सोसाइटी, ठीक है, और लेना सिर्फ सोसाइटी का प्रेशर नहीं होता, आपके अपने लेफ्ट राइट के लोग भी, जो आपके अपने फैमिली मेंबर्स होते हैं, सबसे ज्यादा प्रेशर उनका होता है, यही है ना, उनके लिए क्या वालदैन ऐसा करें, क्योंकि जाहिर है उनको भी तो जवाब देना होता है ना, दे आर आंसरेबल टू देयर फैमिलीज। मैं अभी इसी बात पे आ रही थी, मुझे ये अभी बात कर रही थी तो मुझे अपनी स्टोरी याद आ गई। मैं जब फील्ड में आई थी, मुझे अम्मी और सिस्टर का सपोर्ट मिल गया, तो फिर जब मैंने, व्हाट अबाउट योर फादर, फादर की तरह से थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस थी, वो मसला था। फादर्स आर ऑलवेज द सेम, लेकिन फॉर एवरीवन, लेकिन आई थिंक सो, एनीवे, नहीं, लेकिन चलिए, फादर्स की समझ भी आती है ना, दे आर मोर कंसर्नड अबाउट देयर डॉटर्स, ऑब्वियसली वो सोसाइटी ऐसी वो चीज, देखिए मर्द अगर खुद शादी करने के लिए जो है उसको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होती, तो औरत को इस पर ऐसी परमिशन और ऐसी बाउंड्रीज की नहीं, औरत को तो ये हक इस्लाम भी दे रहा है, इस्लाम में भी इसकी कोई मानियत नहीं है, सिर्फ मैंने आपको, औरत को शादी भी अपनी मर्जी से करने का हक है और जिंदगी भी, हमने बेसिकली औरत को एक ऐसा एलिमेंट बना दिया है। पहली तो बात यह कि हमें एजुकेट कहां से करना, हमने एलियन बना दिया औरत को, इन शॉर्ट लैला कंप्लीट कर ले मैं वापस। तो ये अच्छा, फिर अम्मी की तरफ से सपोर्ट था सिस्टर की तरफ से। तो फिर जब मैं शोबिस में आई, उन्होंने मेरे सॉन्ग्स देखे जो मेरे रिलेटिव्स हैं, तो वहां से फिर मुझे काफी प्रॉब्लम हुई कि ये नहीं करना चाहिए। पठान फैमिलीज में काफी इशू पाया जाता है, तो इस चीज़ को गलत मानते हैं, तो कहते हैं कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। कुछ टाइम के लिए रिलेशंस में कुछ प्रॉब्लम्स ही आ गई थी, लेकिन वक्त के साथ साथ अब वो प्राउड करते हैं मुझ पर। फिर मैं गुडविल एम्बेसडर बनी, इन्होंने मुझे सेलेक्ट किया, ये मेरे लिए ऑनर की बात थी। तो जब उन्हें पता लगा तो फिर उन्होंने बहुत प्राउड फील किया। लेकिन कितना, किस हद तक प्रेशर था फैमिली पर, अपने रिलेटिव्स का, क्योंकि अपने ही जो लोग होते हैं ना वो ज्यादा, चलो बाहर के लोगों की आप एट टाइम्स फॉर द टाइम बीइंग आप सुन लेंगे बात, और उसको इतना आप सर पे सवार नहीं करते, लेकिन फैमिलीज को कैसे इग्नोर करें। फैमिली अगर ऐसे इश्यूज हो और आपको अपना टैलेंट शो करना हो, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना हो, तो फिर मुझे लगता है कि उसे उन बातों को इग्नोर करना चाहिए। ठीक है, इग्नोर करना चाहिए। शायद सब ग्लोबलाइजेशन में, आप वर्ल्ड की सस्टेनेबल ग्रोथ की अगर बात करें, उसमें ये वाइटल रोल
तसव्वुर किया जाता है या वाइटल टूल इसको माना जाता है विमेन एम्पावरमेंट को, क्योंकि वेस्ट भी यही है ना, आप खुद भी यही बात कर रहे हैं कि उन्होंने औरत को एक बेकार चीज तसव्वुर नहीं किया। सो हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी ग्रोथ रेट आप देख रहे हैं कि कितनी बुरी तरीके से वो हो रहा है, खराब हो रहा है। इसकी वजह यही समझते हैं कि विमेन आर नॉट साइड बाय साइड, उनको वो एक्सेस ही नहीं है ना डेवलपमेंट के लिए ना रिसोर्सेज पर, उनकी उनकी एक्सेस को बेसिकली हाईजैक कर लिया गया है। देखिए बेसिकली पाकिस्तान का स्टिग्मा है, हमने पाकिस्तान को वैसे ही बेदर्दी के साथ इस्तेमाल किया है, तो ख्वातीन का तो बिचारी का रोल, आई एम सॉरी बिचारी का मैं ऑफेंसिव वर्ड है, हमने उनको वाकई में बेचारा बना दिया है। वजह हम ये समझते हैं कि शायद हम जो ख्वातीन को जो है वो पाल परवरिश लेते हैं, बाप ये समझता है कि मैं बेटी को पढ़ा रहा हूँ लिखा रहा हूँ और इसकी शादी कर दूंगा किसी अच्छी जगह पर वगैरह वगैरह। जब तक देखें हम एक औरत को, मैंने आपको कहा ना कि जब तक हम इंसान तसव्वुर करके उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे उस वक्त तक हमारे प्रॉब्लम्स का हल नहीं हो सकता। और जहां तक आप बात करते हैं SDG 2030 की, जिसका मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट है और नॉन वायलेंस एंड हरासमेंट अगेंस्ट द हरासमेंट है, वो टूल जो है वो उन सोसाइटीज के लिए है जो सोसाइटीज औरत को एक इंसान तसव्वुर करते हैं। मैंने आपको कहा कि हमें पढ़े लिखे जाहिलों को अपने मुल्क में पहले सबसे पहले उनको ये तरबियत देनी होगी, तालीम देनी होगी, तरबियत की तो जरूरत नहीं है, तालीम देनी होगी कि वो इस बात को माने कि औरत एक इंसान है, उनके बराबर है, उनके जैसी है और वो सब कुछ कर सकती है जो एक मर्द कर सकता है। वजह मैं आपको बता दूं, जेसिंडा आर्डर्न द न्यूजीलैंडियन प्राइम मिनिस्टर बिकम्स अ रोल मॉडल फॉर द होल वर्ल्ड लीडरशिप, शेम फॉर द मेंस लीडरशिप, कि एक औरत ने उनको रास्ता बताया कि हाउ टू डील द टेररिज्म। तो व्हाट आई एम सेइंग कि औरत का जहां जहां पर भी रोल आएगा, बींग एज ए माँ, बींग एज ए बीवी, बींग एज ए बेटी, बींग एज ए बहन, बींग एज ए इवन एस मेंबर ऑफ दिस सोसाइटी, वो पैशन का मुजाहरा करती है जो कि मर्द के पास नहीं है। और ये पैशन उस वक्त आता है जब हम मर्द को तालीमी याफ्ता बनाएंगे इन द रियल प्रोस्पेक्टिव्स, कि वो औरत को एक ह्यूमन तसव्वुर करे। हम जब तक अब मुझे बताएं, मैंने एक पेट अगर घर में पाला हुआ हो तो मैं उसको ह्यूमन तसव्वुर करूंगा? तो व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ द पाकिस्तान सोसाइटिकल मेंस आर कि हमने एक पेट पाला हुआ है। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि जो औरतें होती हैं ना वो दिमाग से नहीं दिल से सोचती हैं और दिल से फैसले भी करती हैं, इसलिए उनका स्टेट डेवलपमेंट में कोई रोल नहीं होना चाहिए क्योंकि वो तो बेड़ा गर्क कर देंगी स्टेट का, मुल्क का सरिया नाश कर देंगी। ये चीज सही है? दिल से किए गए 99% फैसले गलत नहीं होते। अच्छा, दिमाग से किए गए 99% फैसलों को दुनिया की हिस्ट्री में गलत तसव्वुर किया गया। इसलिए आई एम कन्विंस ऑन इट कि जहां जहां पर भी औरत को रोल दिया गया है उसके रोल को एक्सेप्ट किया गया है। अलीना, औरत सेल्फ रिलायंट कब होगी, उसके अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस कब आएगा जो उसके अंदर होना चाहिए और सोसाइटी के प्रेशर की वजह से वो खत्म होता चला जा रहा है? बेसिकली आपकी जब भी एम्पावरमेंट, क्योंकि सोसाइटी तो आप जो जहां भी जाएंगे दे विल टॉक अबाउट यू, ठीक है, दे विल क्रिटिसाइज यू, दे विल जज। अब परवाह करना छोड़ दें, मेरा ख्याल है यही एक ऑप्शन है, आप सुने और अपने पैशन के पीछे जाएं। परवाह करना बिल्कुल छोड़ें, लेकिन वो रास्ता ना छोड़ें जो आपको खुद को एम्पावरमेंट करता है। ख्वातीन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब वो परवाह करती है तो वो रास्ता छोड़ देती है, और अगर वो रास्ता ना छोड़े, बेशक परवाह भी करें लेकिन रास्ता ना छोड़े। अचीवमेंट कम्स व्हेन यू आर कंस्टेंटेंट ऑन योर वर्क, आप उसको कंस्टेंटली। अच्छा, ये मेरे पास लास्ट मिनट है, मैं एक चीज इसमें ऐड करना चाह रही हूँ शाहिद साहब, ये जेंडर इक्वालिटी के लिए और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी इंटरनेशनल और नेशनल कमिटमेंट्स को साइन किया था, जिसमें एक है कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, CEDAW जिसे कहा जाता है, फिर नेशनल प्लान ऑफ एक्शन भी था और इसके साथ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स भी थे।
इस सब में यही था कि विमेन एम्पावरमेंट पे काम होगा, लेकिन नहीं हुआ, क्या वजह थी? बेसिकली देखें, एमडीजीज के बारे में तो पूरी दुनिया में एक राय है कि एमडीजीज में पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया की तमाम स्टेट्स फेल हो चुकी हैं। फॉर दैट रीजन एसडीजी 2030 केम्स इनटू इट्स एग्जिस्टेंस। एमडीजीज के फेलियर पर एसडीजीज लाए गए हैं, और ये इसीलिए है कि एमडीजीज पर जो है वो 15% भी अचीवमेंट पूरी दुनिया में नहीं हो सकी थी। एंड द वन पॉइंट इज द वुमेन एम्पावरमेंट और एंड जेंडर इनइक्वलिटी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशंस एट द वर्क प्लेसेस एंड इवन इन द सोसाइटी। तो ये नहीं हो सका था जिस पर अब एसडीजीज है। उम्मीद है कि देखिए आपके पास, मैं आपको फिर एक अर्ज करूं कि हम साइन इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट करके जो है वो इस बात का दावा नहीं कर सकते कि हमने अचीव कर लिया है, और हम कोई कानून बना के जरूरी है, डेफिनेटली इंप्लीमेंटेशन के बगैर साइन करके तो कुछ नहीं हो सकता, कोई फायदा नहीं है। और ये हम ट्रीटी साइन करके शोर मचाते रहते हैं, साइन करके आप वही बात है, एजुकेशन नहीं आएगी, आप लिटरेट नहीं हो सकते, आपको शऊर नहीं आ सकता। हमें खवातीन को वो एम्पावरमेंट देनी है। लेट मी टेल यू कि ये जो 30% रिजर्व सीट्स थी पार्लियामेंट में खवातीन की, ये किसी की माँ बहन बेटी के लिए नहीं थी, ये इसलिए थी कि ग्रास रूट से खवातीन को पॉलिटिकल पार्टीज पार्लियामेंट में लेकर आए। ठीक, ओके जी, बहुत शुक्रिया, टाइम खत्म हो गया। लैला, शाहिद साहब, अलीना, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, औरत जब तक मिसट्रीट या डिसओन होती रहेगी, तब तक ये डिबेट जारी रहेगी। अंटिल टुमारो, अल्लाह हाफिज़।